डे डेक्टिक और बिजी रूटीन में हाउसवाइफ्स और वर्किंग लेडीज के लिए घर को नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रखना एक चैलेंजिंग टास्क है लेकिन कुछ सिंपल इजी और प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हम अपनी क्लीनिंग रूटीन को डेली वीकली और मंथली चेकलिस्ट में डिवाइड करेंगे और विदाउट मच मोर एफर्ट अपने घर को हर टाइम नीट क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वीकली क्लीनिंग चेकलिस्ट सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट दीडियो तो नंबर वन जी फैमिली की हाइजीन के लिए और घर को क्लीन रखने के लिए वीकली बेडशीट को चेंज करना और वॉश करना बहुत

से बेडशीट की सारी स्मेल खत्म हो जाएगी और फैब्रिक कंडीशनर से बेडशीट में हल्की गिजे खुशबू आएगी और एक हाइजेनिक सा बेडरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एटलीस्ट वीक फ्रिज को डीलेटर करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक क्लटर्ड फ्रिज में से डिजायर्ड प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर फूड मेडिसिन इंग्रेडिएंट कुछ भी ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और अगर बाई चांस आप या आपका फैमिली मेंबर कोई भी एक्सपायर्ड फूड या एक्सपायर्ड मेडिसिन इनटेक कर लेता है ना तो उससे कई सीरियस किस्म के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं तो कोशिश करें की एटलीस्ट वंस अ वीक सारे फ्रिज के प्रोडक्ट्स को बाहर निकालें उनको एनालाइज करें और जो जो प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया है उसको साथ के साथ डिस्कार्ड करते जाए तो फर्स्टली की आप हर किस्म के हेल्थ इशू से बच जाएंगे और टाइम टू टाइम उस चीज को यूज कर सकेंगे इनटेक कर सकेंगे सेकेंडली जब फ्रिज में हर एक चीज आपकी नजर में होगी आपके सामने होगी वेल ऑर्गेनाइज होगी तो खाना भी कम से कम वेस्ट होगा और थर्ड मंथली ग्रोसरी करते वक्त आप कोई भी अननेसेसरी आइटम नहीं लेके आएंगे एंड यू विल सेव योर अलॉट ऑफ मनी क्योंकि लिविंग रूम इज द हार्ट ऑफ अवर होम तो वीकली इसको डीप क्लीन करने में टाइम भी लगता है और एफर्ट भी लगती है सबसे पहले जी सारे लिविंग रूम को डिग्लेटर कर लें फिर जितना भी फर्नीचर है उस पर से डस्ट को सोफा कवर को रिमूव करें क्योंकि जिस घर कोई कोई और काफी डर्ट भी जमा तो वीकली सोफा कवर को लाजमी वॉश करें क्लीन करें और आपके सोफा चाहे फेब्रिक के हो या लेदर के उनपे सोफा कवर में बिछाए माइक्रोवेव ओवन और फ्रिज हमारे किचन के मोस्ट इग्नोर्ड अप्लायसेज हैं जो कि सबसे ज्यादा यूज होते हैं लेकिन उनकी सफाई का ध्यान में नहीं रहता किचन में कुकिंग करते वक्त हम कई बार फ्रिज को खोलते हैं बंद करते हैं कई बार माइक्रोवेव ओवन का यूज करते हैं तो हमारे फिंगर के साथ इसके हैंडल पे ग्रीस लग जाती है जहां पे बैक्टीरिया ग्रो होने शुरू हो जाते और हैं अगर इन केस माइक्रोवेव ओवन के अंदर खाना गर्म करते वक्त कोई भी खाने का स्टेन लग जाए ना तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम खाना गर्म करते हैं तो उस स्टेन से क्रॉस कंटेमिनेशन होने लग जाती है इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कोई भी डैम क्लॉथ लें और उस पर व्हाइट डिस्टल विनेगर ऐड करें इससे जितना भी कोई हार्ड स्टेन होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा अपलायंसेस डिस हो जाएंगे प्लस उनकी शाइन भी रिस्टोर हो जाएगी। एक और स्मेल की वजह से जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं कॉकरोचेस होते हैं वो सिंक की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं इसका सिंपल सा सोल्यूशन है जी बेकिंग सोडा सबसे पहले सिंक में डाल लें जितनी भी सिंक में ग्रीस है उसको अच्छे से किसी भी स्पंज से रगड़ें वो खत्म हो जाएगी फिर इसमें जो स्टेनलेस स्टील स्टेनर है उसको भी निकालें अच्छे से इसको क्लीन करें अब जी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक गर्म उबलते हुए पानी का ग्लास लें उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा का एड करें अच्छे से मिक्स करें और सारा ग्लास सिंक के होल में उल्टा दें इसमें जितनी भी ग्रीस है फूड स्क्रेब्स है वो सब कुछ स्मेल हर चीज रिमूव हो जाएगी इवन अगर आपका सिंक ब्लॉक हुआ है ना वो भी खुल जाएगा सारे सिंक की जो शाइन है वो भी रिस्टोर हो जाएगी और एंड में आप किसी भी माइक्रोफाइबर डस्टर से अपने सिंक को अच्छे से ड्राई कर लें ले आप लोगों को पता है कि दिन में हमारा सबसे ज्यादा टाइम कब वेस्ट होता है जब हमने अपनी डिसऑर्गेनाइज प्रक्रटेड बॉड्रॉप में से कुछ ढूंढना होता है इससे ना सिर्फ इंसान को मेंटली स्ट्रेस होता है बल्कि टाइम भी वेस्ट होता है और इस तरह के बॉड्रॉप को देखते ही ना थकन होने लगती है तो वीकली आप ना अपने बॉड्रोप को डीकलेटर लास्ट में कर लिया करें इससे ना तो आपका टाइम वेस्ट होता है बल्कि हर एक चीज़ टाइडी होती है क्लीन होती है सामने विजिबल होती है सेकेंडली जब आप अपने बॉड्रॉप को डलेटर करते हैं ना तो अंदर कोई ना कोई चीज़ इस तरह की निकल आती है जो कि अब आपको बच्चे के साइज़ में छोटी हो गई है या वो आपके काम की नहीं रही या वो पहन पहन के दिल उगता गया अब दोबारा नहीं चाहते तो इस तरह की चीजें आप अलहदा से रख रह के उनको चैरिटी कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में भी स्माइल फैला सकते हैं मिरर यूज करना तो टास्क हो ही नहीं सकता इसको आप अपने वीकेंड पे जो कर जस्ट का स्प्रे करें अगर आपके पास कोई भी मिरर को क्लीन करने वाला लिक्विड नहीं है और न्यूज पेपर से क्लीन करना है एंड यू गो सो इन नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम मंथली और डेली क्लीनिंग चेकलिस्ट देखेंगे ताकि अपनी लाइफ को और आसान बना सके तब तक के लिए मुझे इजाज़त Please.